स्टार्ट करें हम लोग. पॉलिशिंग देखनी है. ओके, कितने लोगों को देखनी है? सबके हाथ रेस तो होने चाहिए क्योंकि जितने भी बैठे हैं उन्हें देखनी तो होगी ना पॉलिशिंग. ओके, पॉलिशिंग में मेरे साथ मेरी खूबसूरत सी मॉडल है शम अरोड़ा, प्लीज. तो आज हम इनके ऊपर पॉलिशिंग आपको दिखाने वाले हैं. पूरा हम लोग पॉलिशिंग नहीं करेंगे, पूरी बैक का पोर्शन हम पॉलिशिंग करेंगे जिसमें हैंड्स भी आ जाएंगे आपके लिए, लेग्स भी आ जाएगी और बैक पॉलिशिंग भी आप उन्हें अच्छे से देख पाएंगे. लेट्स स्टार्ट. हम लोग जो आज पॉलिशिंग दिखाने वाले हैं वो कियाना के स्पा से दिखाने वाले हैं. कितने लोग कियाना का स्पा कोई कर रहा है अपने यहाँ? ओके, कियाना का हम लोगों का इट्स स्पा में तीन फ्लेवर्स आते हैं, लेमन, ग्रीन टी एंड रेड ग्रेपफ्रूट. जो हम आज दिखा रहे हैं आपको वो ग्रीन टी है. डेड सी प्रोडक्ट है, इसराइल से है, फुल ऑफ मिनरल्स है. बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत अच्छे रहते हैं आपके लिए, फुल ऑफ मिनरल्स है आपकी स्किन. नॉर्मली जब क्लाइंट पॉलिशिंग के लिए आता है तो वो क्या क्या कंप्लेंट्स के साथ आता है, क्या चाहता है आज का क्लाइंट पॉलिशिंग के लिए? जो उसको टैनिंग है वो निकल जाए, जो पिगमेंटेशन है जैसे बैक पे लोग सनस्क्रीन नहीं लगा पाते लेकिन डीप हम लोग ब्लाउजेस पहनते हैं या कोई भी ड्रेसेस पहनते हैं, और हमारी मॉडल्स हैं जो शूट्स करती हैं जो सनस्क्रीन एप्लीकेशन नहीं होता तो वहाँ वहाँ वो टैन हो जाता है, या अगर हम पैरों में स्लीपर्स पहनते हैं तो स्लीपर मार्क्स पड़ जाते हैं, आपकी स्किन पे एक टैन जम जाए. और आजकल का जो जनरेशन है वो कितने लोग बता सकते हैं कि मुझे नहाते कैसे हैं वो लोग? कभी आप लोगों ने गौर किया आपकी बेटियाँ जो वर्किंग वुमेंस हैं या जो बहुएँ हैं आपके घर में वो कैसे 5 मिनट में कैसे नहा सकती हैं? हम लोगों का आजकल जो लाइफ स्टाइल है ना नहाने का, जस्ट फेस पे सोप लगाया, अंदर गए, शावर खोला, नीचे खड़े हुए, सेटिस्फैक्शन की हम नहा लिए हैं, शावर बंद एंड बाहर. वो क्या चाहते हैं कि हम 15 दिन में पॉलिशिंग के लिए जाएं, स्क्रबिंग हो जाएगा तो वो जो हमारे ऊपर डस्ट जम रही है वो निकल जाएगी, पैक लगा दोगे और मसाज हो जाएगी तो नरिशमेंट भी हो जाएगा. किसके पास इतना टाइम है कि जो रोज़ डेली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें? तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड पॉलिशिंग. क्योंकि पहले पॉलिशिंग का मतलब नहीं समझ आता था, स्पा का मतलब नहीं समझ आता था, बट नाउ इट इज़ एवरीबडी वॉन्ट्स. क्योंकि सब इतने लेज़ी हो गए हैं अपनी एक नेचुरल लाइफ में, या हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम रहता नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि हम एक दिन में खूबसूरत बनकर बाहर आ जाएं. तो कियाना एक ऐसा स्पा आपको देता है जिसमें क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सबसे पहले टैनिंग, सेकेंड इफ़ यू हैव एनी मार्क, थर्ड एल्बोज, नीज, नेकलाइन, ये 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनका सोल्यूशन करता है. इन्हें वन सिटिंग क्लाइंट कन्विंस हो जाता है रिजल्ट्स के लिए. ये पैराबेन फ्री है प्रोडक्ट, और इसमें आपका पॉलिशिंग की जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसके बाद आपको एक नेचुरल शाइन जो होती है क्लाइंट के बॉडी में जो चाहता है एग्जैक्टली आप वो देख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करें बिकॉज वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम जिस तरह में एप्लीकेशन करेंगे वो साथ साथ करते जाएंगे. ओके, ये सॉल्ट है जो मेरी थेरेपिस्ट यूज़ कर रही हैं. हमने एक पानी की बॉटल ली है, खाली प्लेन वाटर, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है. अब हमने इसके अंदर 2 स्पून सॉल्ट ऐड किए हैं. जनरली अगर आपके यहाँ एक टब है, इफ़ यू हैव अ टब, तो उसमें 2-3 स्पून डाल के क्लाइंट को 15 मिनट के लिए बिठा सकते हैं. पर ये कॉन्सेप्ट उनके लिए जब हम नहीं चाहते कि बहुत सारी चीज़ें हों, या मेरे पास मेरा सलोन छोटी जगह पर है, आई डोंट हैव दैट बिग स्पेस, बट मैं अपने क्लाइंट को एक स्पा की फीलिंग देना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमने क्या किया, पम्प बॉटल्स ली, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया एंड जस्ट हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे तो क्लाइंट को एक कोजी कोजी फीलिंग होगी तो अच्छा लगेगा. या अब हम इसके ऊपर स्किन के ऊपर जहाँ भी हमें करना है हम स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करके अच्छे से मसाज करनी है 1 से 2 मिनट तक. इससे क्या होता है, क्लाइंट की स्किन पे जो टैनिंग है वो सॉफ्ट हो जाती है. पेडिक्योर में भी अगर आप देखोगे तो एकदम से क्लाइंट के फीट्स में अलग रिजल्ट आता है. पेडिक्योर में हम क्या करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं. आपने देखा है जब हम शैम्पू से फीट निकालते हैं तो स्किन एकदम ड्राई ड्राई हो जाती है, पर इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता. ये ऑयल बेस्ड सॉल्ट है, ये आपके लिए क्या क्या करता है. अगर आपकी बॉडी में पेन्स का प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में स्मेल आती है स्वेटिंग की, उसको भी सॉर्ट आउट करता है. आपकी बॉडी में टैन है उसको सॉफ्ट करता है. और अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं तो, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो क्लाइंट को आप घर के लिए भी दे सकते हैं कि पानी में 2 चम्मच सॉल्ट डाल के वो अपने पैर डिप करके बैठे तो उसको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, रिलैक्स होगी.
क्लीन करने के बाद आपने अच्छे से उसको ड्राई कर दीजिए. ड्राई अगर समर्स हैं तो आप चाहे नहीं भी करें, बट अगर विंटर्स हैं तो आपको ड्राई करना होगा, अदरवाइज क्लाइंट शिवरिंग फील करेगा. अब हमारा जो ये है, दिस इज अ हार्ड स्किन रिमूवर. ट्यूब में वी हैव टू स्क्रब, वन इज अ हार्ड स्किन रिमूवर. हार्ड स्किन रिमूवर से मेरा मतलब क्या है, जब टैन होकर स्किन हार्ड हो जाती है, आपको पता ना जब स्किन टैन हो जाती है उसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली नॉर्मल स्किन के स्ट्रक्चर में हार्ड होता है, तो ये हम वहाँ वहाँ लगाएंगे जहाँ जहाँ टैनिंग है, जैसे नीज के बैक साइड में क्योंकि वो फोल्ड रहते हैं तो वहाँ ब्लैकनेस आ जाती है. अगर फ्रंट में है तो नीज पर, ओपन पोर्शन पे, अभी हम एल्बोज पे भी लगाएंगे, पर जहाँ जहाँ हम लगाते हैं वहाँ वहाँ स्टार्ट हम करते जाते हैं. ठीक है, आपको इसको सिर्फ एक मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ना. एक प्रिकॉशन है, इस पर आप डायरेक्टली मसाज नहीं कर सकते क्योंकि नाम क्या है इसका, हार्ड स्किन रिमूवर, यानी इसके ग्रैन्यूल्स जो हैं वो लिटिल बिट हार्ड हैं जिस पे आप डायरेक्टली मसाज नहीं कर सकते. तो हम मसाज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारा कियाना का ग्रीन टी एक्सफोलिएंट जेल, मॉइस्चराइजिंग एक्सफोलिएंट जेल. आप इसके एक दो ड्रॉप्स जो हैं वो पूरे फीट्स के लिए लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं है. ये फॉर्म भी करता है अगर आप कराना चाहते हैं तो, फिर आपको लूफा एंड समथिंग लाइक दैट, बट अभी हम जो ये कर रहे हैं हल्का सा हमने स्प्रेड किया और पानी यूज़ कर सकते हैं आप, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को. सॉल्ट वाला वाटर ही गर्ल्स यूज़ कर रही हैं क्योंकि अगर वो हमारे पास बच गया है और वो साथ साथ यूज़ हो रहा है तो इट्स रियली गुड. ये जो स्क्रब है बहुत माइल्ड है, ये सॉल्ट स्क्रब है. सॉल्ट स्क्रब के बारे में सबने सुना ना, एक्सफोलिएशन बहुत अच्छा करता है, हर्ट नहीं करता आपको, मिनरल्स के साथ होता है तो आपको रियली गुड रहता है. डेड सी के बारे में कितने लोग जानते हैं, किसी ने सुना है डेड सी के बारे में? व्हाट इज़ डेड सी? क्यों आजकल डेड सी प्रोडक्ट्स इतने फेमस हो गए हैं एंड सडनली एवरीबडी वॉन्ट्स डेड सी? हम डेड सी कहते हैं, फुल ऑफ मिनरल्स है. डेड सी जो है इसराइल में है. इसराइल में जो समंदर है वो इतना, आपने टीवी में देखा होगा कि मॉडल्स समटाइम्स एफटीवी पे भी दिखाते हैं कि पानी में गई और सॉल्ट के साथ वापस आई, उसका प्लीज़ एक्सक्यूज मी स्विच ऑफ योर फोन्स. तो उसका वाटर जो है वो इतना सॉल्टी है कि उसमें कोई भी मछली या कोई भी कीड़ा नहीं है, अदरवाइज वो मर जाएंगे, इतना खारा पानी है. तो उसके सॉल्ट से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो डेड सी के प्रोडक्ट्स हैं. ओके, अभी हम इसके ऊपर लूफा यूज़ कर रहे हैं. जितनी भी एक्सेसरीज आप यूज़ होते हुए देखेंगे वो सुनील बजाज की हैं, डिज़ाइनर एक्सेसरीज हैं वो. कियाना इज अगेन सेम कॉन्सेप्ट लाइक फ्रॉम सुनील बजाज, इज पावर्ड बाय सुनील बजाज. सी देखा, हल्का हल्का फॉर्म भी कर रहा है, बट ये जो फॉर्मिंग है ये डिटर्जेंट वाली या सोप्स वाली फॉर्मिंग नहीं है, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट फॉर्मिंग, मॉइस्चराइजिंग वन है. तो इसके बाद क्लाइंट के फीट जो है और सॉफ्ट हो जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छा क्या है, आपको क्लाइंट को बार बार नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी बेडशीट्स गंदी नहीं होती हैं, जिस भी कलर को आप यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई स्कार्स नहीं आता है आपके, और आप एक बेड के ऊपर से कम्प्लीटली बहुत कम पानी के साथ कर सकते हैं, ईजिली क्लीन हो जाता है, ग्रैनुल बॉडी पर चिपकता नहीं है, ईजिली क्लीन हो जाता है. और इसको आप अच्छे से क्लीन करें क्योंकि इसके बाद हम पानी नहीं लगाएंगे बॉडी के अंदर. ग्रैनुल मतलब जब हमने स्क्रबिंग कर ली उसके बाद हम वाटर एप्लीकेशन नहीं करेंगे. तो जब भी आप स्क्रब लगाएं उसे क्लीन करें. अगर आपके यहाँ शावर कराने की जगह है तो आप क्लाइंट को स्क्रबिंग के बाद शावर करा दें. फिर जैसे आप हम इनके ऊपर हीलिंग थेरेपी लोशन लगाएंगे तब आप पहले क्या करें, पहले पूरी बॉडी पर स्क्रबिंग तक का प्रोसेस कर लें और फिर क्लाइंट को शावर के लिए भेज दीजिए. बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम पॉइंट इसी तरह लाइक डिफरेंट डिफरेंट करेंगे. अच्छे से इन्होंने इसको भी क्लीन किया है. जब भी हम स्क्रब करते हैं सबको पता है कि हमारी बॉडी में रैशेस आते हैं, चाहे फेस है या कुछ भी है. फेस में हम क्या लगाते हैं स्क्रब के बाद, टोनर, पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और जो भी स्क्रैचेस हुए हैं उसको हील करने के लिए. तो इट्स द सेम थिंग इन द बॉडी ऑल्सो. तो अभी हम बॉडी में स्क्रैचेस को हील करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हीलिंग थेरेपी लोशन, इट्स अ वंडरफुल लोशन. अभी हमारे सलॉन्स में एक प्रॉब्लम और भी होता है, क्लाइंट जब ब्राइड्स आती हैं बॉडी पॉलिशिंग के लिए उनकी वैक्सिंग भी है, ब्लीच भी है और बॉडी पॉलिशिंग भी है. अब तीनों अगर हम एक साथ करते हैं तो पॉलिशिंग में दाने आते ही आते हैं, नहीं आते तो क्लाइंट को जलन महसूस होती है. तो दैट इज़ नॉट गुड.
हीलिंग थेरेपी लोशन अगर आपने ब्लीच की है और वैक्सिंग की है उसके बाद पॉलिशिंग शुरू करने से पहले अगर पूरी बॉडी में आप एक मिनट लगा के छोड़ दें तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, यानी जो ब्लीच से डैमेज हुई है स्किन के अंदर वो हील हो जाएगी और उसके बाद आप इजीली अपनी पॉलिशिंग कर सकते हैं। क्लाइंट को कोई इचिंग, कोई सेंसेशन, कुछ नहीं होगा। नो, वी हैव अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट फॉर द फेस स्टेम सेल थेरेपी, तो आप उसके लिए अगर आपको अपने ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप कियाना के बूथ पर आ सकते हैं, बट दिस इज फॉर द बॉडी ओनली। ओके, अब हम इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर रहे हैं। इट्स अ डीप डर्मल हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क। नॉर्मली क्या होता है कि हम मड पैक्स यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि बॉडी में जो नरिशमेंट आता है वो भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को वी डायग्नोस करते हैं। अगर हमारी स्किन ऑयली भी है तो इट डजंट मीन कि हमारी बॉडी ऑयली होगी, बॉडी हमेशा ड्राई रहती है क्योंकि एक्सपोज रहती है, ऊपर से नीचे तक वेट रहता है तो इस ये पोर्शन हमेशा हमारा ड्राई रहता है, ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि ऐसे हो रहा है, नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो क्यों कहते हैं कि आपको 5 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, 6 घंटे की स्लीप, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। अदरवाइज पूरे दिन तो आप खड़े हैं या बैठे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इस मास्क का जो एप्लीकेशन कर रही हैं लड़कियाँ, जो हमारी मेरी थेरेपिस्ट हैं, वो ब्रश, दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्रश। मास्क का नाम है डीप डर्मल हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट, और ये ब्रश जो है अगेन इट इज अ डिजाइनर टूल बाय फ्रॉम सुनील बजाज। इट्स अ ब्यूटिफुल टूल, आप अपने यहाँ अगर बालों में स्पा कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, आप इससे लगा सकते हैं। इट विल सेव मोर देन 20% प्रोडक्ट, यानी अगर आप एक स्पा के बॉक्स में से 3 लोगों को स्पा करते हैं तो नाउ यू कैन गो फॉर 4 पर्सन्स, क्योंकि ये मेड ऑफ सिलिकॉन है तो प्रोडक्ट को अच्छे से पुल कर लेता है। अब इसके ऊपर हम क्लीन फिल्म रैप करेंगे। क्लिंग फिल्म रैप करने से क्या होगा, आपके स्किन पे जो मास्क लगाया है वो अच्छे से स्किन के अंदर पैनेट्रेट हो जाएगा, और जब उसमें से एक 5-7 मिनट बाद जब हम मसाज करते हैं क्लिंग के ऊपर तो उसमें से हीट जनरेट होती है जो क्लाइंट को एक बहुत वार्म फीलिंग देती है एंड क्लाइंट फील वेरी कंफर्टेबल। कनिका आप इतने बैक पे आ जाओ। प्रियंका उस साइड से जाके रैप करो। अब हम बैक पे स्टार्ट कर रहे हैं। बैक पे इट इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फीट्स पे किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर। यस, हम जो हमने पानी के अंदर सॉल्ट डिप किया था उसे हम स्प्रे करेंगे। बैक पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पॉलिशिंग्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो आप बैक से कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं, या अपने यहाँ ऐसे लॉन्च कर सकते हैं आर्म्स पॉलिशिंग, बैक पॉलिशिंग एंड लेग्स पॉलिशिंग। आज की डेट में लोग पेडी और कराते ज़रूर हैं पर उनका साथ में जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने देखा पहले जीन्स इतनी सी रैप होती है, फिर जब रिजल्ट आता है वो और रैप होती है और वो नीज तक पहुँच जाती हैं एंड फाइनली दे डोंट नीड पेडी क्योर नाउ ऑन डेज, दे नीड अ पॉलिशिंग पेडी क्योर, बिकॉज गर्ल्स के कपड़े नीचे से छोटे हो गए हैं तो वो एक्सपोज होते हैं तो वो ज़्यादा टैन होती हैं, तो हमें पॉलिशिंग जो है वो नीज तक चाहिए। सेम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, हमने सॉल्ट वाटर का स्प्रे किया, उसके बाद बॉडी को अच्छे से क्लीन किया। अब बैक पे पिगमेंटेशन के स्कार्स आपको अच्छे से देखने के लिए नजर आते हैं और टैनिंग के नेकलाइंस, तो आप अच्छे से हार्ड स्किन रिमूवर लगाएंगे वहाँ वहाँ जहाँ भी आपको टैनिंग नज़र आ रही है। जैसे जो मेरी मॉडल हैं उनको अच्छी खासी पिगमेंटेशन है, स्कार्स भी हैं बैक पे, सबको दिख रहा है? थोड़ा यहाँ से लीजिए, या ये दिख रही है बैक, तो दैट यहाँ पर हम सब जगह हार्ड स्किन रिमूवर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोग को किसी भी प्रोडक्ट की, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से आपका काम हो जाता है। या किट का
कॉस्ट क्या है, हम पहले ट्रीटमेंट के रिजल्ट देखें उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि डिश खाने के बाद ही पता चलता ना कि वो उस कॉस्ट की वर्थ करती भी है या नहीं। अभी मैं बताऊं और लोग उठ के चले जाएं तो वो अजीब लगेगा। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी रीजनेबल, डोंट वरी। बट हाँ, हमें ये ज़रूर देखना होगा कि जो पॉलिशिंग्स नॉर्मल होती हैं, जिसमें सिर्फ हम बाहर से तो दिखा देते हैं कि हमने ऑयल मसाज किया, पर स्किन के हाइड्रेशन के नाम पर वो ज़ीरो होती हैं। हाँ, मॉइस्चराइजिंग जेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट, प्लीज़ टेक अ प्रिकॉशन, हम हार्ड स्किन रिमूवर पर डायरेक्टली मसाज नहीं करेंगे, डन। उस पर हम मॉइस्चराइजिंग जेल लेंगे और तभी मसाज करेंगे, और हम हल्का सा पानी भी साथ में यूज़ कर सकते हैं मसाज के लिए। हमने सॉल्ट वाटर से स्प्रे किया पहले, उसको क्लीन किया, हार्ड स्किन रिमूवर वहाँ लगाया जहाँ जहाँ आपको ब्लैकनेस है या पिगमेंटेशन है, उसके बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ किया एंड पानी थोड़ा सा साथ में लेकर उसके साथ मसाज हमने की है। हाँ, देन मसाज हो जाएगी, बट हमें उसकी खाली मसाज नहीं करनी है। या लूफा, अब हम लोग इस पर लूफा यूज़ करेंगे, बॉडी लूफा। इट्स अ ब्यूटीफुल लूफा। नॉर्मली जो लूफास मार्केट में आते हैं आजकल, प्लास्टिक कोटिंग्स भी आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है स्किन छिल जाती है, बट दिस इज़ ए रॉ लूफा, जो कि हम अगर हमारे हम पुराने टाइम पे याद करें तो हमारी जो नानियाँ और दादियाँ, यू नो, वो तोरी और घिया वाले, तो दैट इज़ अ एग्जैक्टली सेम लूफा जो कि कॉमर्शियली उगाए जाते हैं सेलिंग पर्पज के लिए। तो इससे बॉडी का एक्सफोलिएशन अच्छा होता है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसको क्लीन नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने क्लाइंट से बॉडी पॉलिशिंग के चार्जेस 2500 रुपये लेते हैं या 3000 रुपये लेते हैं या 2000 भी लेते हैं, तो पॉलिशिंग में लूफा की कॉस्ट ऐड कर दीजिए और क्लाइंट को गिफ्ट कर दीजिए, जिससे 15-20 दिन बाद अगर क्लाइंट आता है तो उसे एक दो बार, 3-4 बार नहा लेगा और पॉलिशिंग करेगा, तो रिजल्ट मेंटेन भी रहते हैं एंड क्लाइंट फील्स वेरी हैप्पी कि आपने जो पॉलिशिंग की थी वो नरिश भी रही है और अच्छा एक्सफोलिएशन भी रहा है, क्योंकि लूफा को क्लीन करना इट इज़ अ वेरी टफ वर्क। हम जो स्पॉन्जेस यूज़ कर रहे हैं क्लीन करने के लिए, अगेन दिस इज़ अ सेलुलोज स्पॉन्ज और ये अगेन सिग्नेचर ब्रांड है सुनील बजाज का। अगेन रिपीट करूँगी कि जब भी हम स्क्रब करते हैं उसके बाद स्क्रब अच्छे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मसाज करते हैं वो हाथ में आता और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस, अभी 3 डेज पहले ही मैं किसी के यहाँ पॉलिशिंग के लिए गई थी एंड दैट वॉज रियली बैड फॉर मी कि वो स्क्रबिंग के बाद वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है आपकी, और मसाज में, क्रीम में, पैक में, वो एवरीवेयर आपके ग्रैन्यूल्स आते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपके एक्सफोलिएशन की 5 मिनट की ज़रूरत थी तो वो आधा घंटे तक आपकी बॉडी में एक्सफोलिएशन ही हो रहा था, क्योंकि अगर क्रीम के साथ भी दाने चल रहे हैं तो डूइंग द सेम वर्क। हीलिंग थेरेपी लोशन, हीलिंग थेरेपी लोशन इट्स बहुत ही रिलैक्सिंग लोशन है, और आप अपनी ब्राइड्स को दो चीज़ें घर के लिए भी दे सकते हैं, जैसे एक मॉइस्चराइजिंग जेल कि आप इसे शावर कर लें, और हीलिंग थेरेपी लोशन। इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं? शादी के बाद एक बॉडी में से जो एक नेचुरल फ्रेग्रेंस चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि केमिकल परफ्यूम आप हर समय अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते, और इसे जब आप नहा कर निकलते हैं तो बाथरूम, आपकी बॉडी सब में से एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, वेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस, तो क्लाइंट्स इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसको अपने क्लाइंट्स को एज ए ब्राइडल ट्रीटमेंट या आप अपने क्लाइंट को घर के लिए भी दे सकते हैं। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, एक मॉइस्चराइजिंग एक्सफोलिएंट जेल, सेकेंड इज हीलिंग थेरेपी लोशन। मास्क, अगेन डीप डर्मल हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट। बहुत कम लगना है मास्क, ऐसा नहीं है कि हमें मोटा मोटा दिखाना है क्लाइंट को कि इतना हेवी हेवी लगाना है सिर्फ मास्क का एप्लीकेशन। हाँ, आपको लगाना हाथ से नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से लगाएंगे तो आपके हाथों में ही पेनेट्रेट हो जाएगा और क्लाइंट को नज़र नहीं आएगा। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रश यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, जिससे वो ईजीली लग जाए। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिलिकॉन का बना हुआ है, जिसके बेबी निपल्स बनते हैं सबको है, तो इसे क्लीन करना बहुत इजी है कि आप गर्म पानी में डाल के इसको क्लीन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। इसमें प्रोडक्ट नहीं फंसता, इजीली पुल कर लेता है प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट भी काम लगता है। इसके ऊपर हम लोग बड़ी वाली क्लीन फिल्म यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग फीट्स,
अगर हमारे हम अपने सलोन में कर रहे हैं तो हम हमेशा क्लाइंट को खड़ा करते हैं पहले, उसके ऊपर पूरा मास्क लगाते हैं और खड़े करके क्लीन फिल्म रैप करते हैं। और अगर क्लाइंट को हॉट टॉवल चाहिए तो आप उसी के ऊपर रैप कर सकते हो, जिससे उसका थोड़ा स्किन और अच्छा रिजुविनेट हो जाता है। अब हम फीट्स पे जब क्लीन फिल्म को खोलेंगे तो उसको पाम्स के साथ हीट देंगे, जिससे उसके अंदर हीट जनरेट होगी और पैक अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। इस पैक को हम क्लीन नहीं करेंगे। आप देख सकते हो पैक स्किन के अंदर पेनिट्रेट हुआ है और हम इसी को अब पेनिट्रेट स्किन के अंदर करा देंगे, हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन है मसाज के लिए हम क्या यूज करेंगे। मसाज के लिए वी विल यूज एनर्जाइजिंग एंड पॉलिशिंग ऑयल, दैट्स ऑसम ऑयल। पर हाँ, इसके जब भी हम मसाज करें तो क्लाइंट को उसके लिए बात छोड़ दें 5 से 10 मिनट के लिए कि आप रिलैक्स कीजिए, या उसे शवासन में या कोई भी आसन में आप छोड़ कर चले जाएं। जैसे 10 मिनट में वो ऑयल आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है मसाज करने के बाद, तो आपको उसको क्लीन करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता और एक आप अच्छा सा ग्लॉस स्किन के ऊपर देख सकते हैं। एनर्जाइजिंग एंड पॉलिशिंग ऑयल, दैट्स अ वेरी गुड ऑयल। बहुत काम लगती है क्वांटिटी इसकी, बहुत अच्छे से हाथ मूव करते हैं। पर जब भी मैं ये कहती हूँ, आप चाहे फीट्स पे करें या बैक पे, 5 मिनट के लिए वो सॉइल को छोड़ दें, क्योंकि क्लाइंट उससे पहले उठेगा तो शायद उसे लगेगा बहुत ग्रीजी ग्रीजी फीलिंग है, बट बाद में यू कैन सी कि देयर इज नो ग्रीजीनेस, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गया, इट्स अ नॉन ग्रीजी ऑयल। अब हम बैक से क्लीन फिल्म हटाएंगे। क्लाइंट को कभी भी हॉट टॉवल पॉलिशिंग ऑयल की मसाज के बाद ना दें। उससे क्या होता है, हम जब हॉट टॉवल देते हैं तो या तो क्लाइंट को कोल्ड टॉवल भी देना चाहिए, पर क्लाइंट हॉट टॉवल लेने के बाद कोल्ड टॉवल लेता नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ क्लीन फिल्म के ऊपर रैप कर दीजिए, उसे फीलिंग भी आ जाएगी हमने हॉट टॉवल दिया। नहीं तो कई क्लाइंट्स क्या कहते हैं, आपने हॉट टॉवल नहीं दिया। अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ है तो आप क्लीन फिल्म के ऊपर ही रैप कर दीजिए। अगर आप में से कुछ लोग ऊपर आकर देखना चाहते हैं, टच करके देखना चाहते हैं कि बॉडी में कितना हाइड्रेशन है या सिर्फ चिपचिपी लग रही है, तो प्लीज़ आ सकते हैं वो स्टेज के ऊपर एंड दे कैन सी जस्ट सी द फीट्स एंड दिस इज़ अ नेचुरल स्किन। सी, ये 5 मिनट्स बाद स्किन के अंदर सोक कर जाएगा ऑयल। अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा सनकी है, उसको लग रहा है नहीं मुझे क्लीन कराना ही है, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो टॉवल क्लीन कर दो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। नो, नॉर्मल टॉवल से, मतलब नॉर्मल वाटर हो, ल्यूक वॉर्म वाटर यू कैन से, इट्स नॉट शुड कोल्ड, क्योंकि लास्ट में कोल्ड दोगे तो क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं वो ठंड, कुछ भी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप एसी में कर रहे हो ना तो उसका टेम्परेचर 22 डिग्री ही है, ये मान के चलना होगा, तो वो ठंडी है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी होगी। या ओके, नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप तो प्राइस बता दो बिकॉज खत्म होने वाला है। अगर हम पूरी बॉडी पॉलिशिंग करते हैं तो आपको ये 400 रुपये का कॉस्ट करता है, फुल बॉडी पॉलिशिंग। पूरी किट 6900 रुपीज़ की कॉस्ट करती है, जिसमें सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। आप क्लाइंट को मैनिक्योर भी कर सकते हो, पेडिक्योर भी कर सकते हो, बॉडी स्पा भी कर सकते हो। दैट्स अ मल्टीपर्पज किट, 3 फ्रेग्रेंस के साथ है, लेमन, ग्रीन टी एंड रेड ग्रेप फ्रूट। एनी अदर क्वेश्चन? अलग अलग भी आपको आइटम मिल जाएंगे, नहीं कोई स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, इट्स ओनली फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस कलर्स। 6900 रुपीज़,
आज आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो आपके मे बी इट्स कम्स टू 6000 समथिंग 58 समथिंग यू नो बट जस्ट कम एंड डिस्कस विद अस ओके ऑन द क्याना बूथ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट वी विल कुरियर या या कियाना स्पा लेमन ग्रीन टी एंड रेड ग्रेप अगर आप रेस्ट ऑफ टू फ्रेग्रेंस देखना चाहते हैं तो आप बूथ के ऊपर आ सकते हैं थैंक यू वेरी मच